हेलो गाइस, इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव सीन व्हाट इज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। In today's lecture, we will see what is the effect of surcharge and effect of surcharge and water table on earth pressure. Means if surcharge and water table are there on earth pressure condition, so how it will alter the equation. Okay, so for this, let consider a retaining wall and at the depth h1 there is water table. So it is the line of water table. Above this line the soil is dry, so it is gamma d, or simple say it is gamma. Okay, and below this soil gamma is soil is submerged condition, so it becomes gamma dash. So mere pas do zone aa gaye, ek ye zone aur dusra ye zone, below water table ka zone aur above water table ka zone. Ab dekhte hain yahan ho kya raha hai. Theek hai, यहाँ होगा क्या कि जब मेरा ये दो केस है, ठीक है, जब हम इस केस का बात करेंगे, जोन वन का बात करें, तब इस रिटेनिंग वाल में जो भी प्रेशर लग रहा है वो ड्यू टू क्या लग रहा है, इस सॉइल के कारण. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एक्टिव केस, फॉर एक्टिव कंडीशन, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, के ए इंटू गामा इंटू एच वन, क्योंकि ये एच वन है, ये टोटल हाइट एच, ये क्या हो जाएगा, एच माइनस एच वन. ठीक है, अब जैसे हम क्या है, इस लेयर कंसिडर, दिस इज दिस एट एज अ लेयर, इसको एक लेयर मान लेंगे, तो इससे नीचे जैसे हम आएंगे, तब इस केस में क्या है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंस है, मतलब सॉइल जो है वो क्या है, सबमर्ज्ड है मेरा, यानी गामा डैश. तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा, तो के ए गामा डैश इंटू एच माइनस एच वन प्लस, ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा, इसके ऊपर यहाँ से जो इस लेयर के ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है, ये क्या होगा मेरा, प्लस सरचार्ज. ठीक है, यानी यहाँ पर टोटल इस जोन में टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, के ए गामा डैश माइनस एच वन प्लस के ए गामा एच वन प्लस, ये तो सॉइल के कारण, और वाटर टेबल का इफेक्ट क्या होगा, प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच वन. तो ये जो है मेरा टोटल प्रेशर होगा, जो कि इसके बेस पे लगेगा. ठीक है, तो इन डिटेल ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे तीन प्रेशर लग रहा है, पहला प्रेशर जोन वन के कारण, जोन वन के कारण, जो कि क्या होगा, के ए, मतलब के ए किसको डिनोट करें, एक्टिव अर्थ प्रेशर, गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और एच वन क्योंकि एच वन डेप्थ है. ठीक है, इस जैसे इस लेयर से नीचे आए तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, गामा डैश और गामा डब्लू. ठीक है, गामा डैश क्या है, सबमर्ज्ड. ठीक है, गामा डब्ल्यू क्या है, वाटर. ठीक है, तो ये चीज हमने देखा. अब इसको ग्राफ में इसको देखते कैसे बनाना है. सो लेट प्रिपेयर अ ग्राफ फॉर दिस.
this is the layer below which there is water table. Water table layer, which is surface, and this is retaining wall. अब जोन वन जोन टू, ठीक है, इन जोन वन, ठीक है, जोन वन में क्या हो रहा है तो अभी हमने देखा क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर लग रहा है जिसका वैल्यू होगा के ए गामा, यानी पी वन इज इक्वल टू क्या हो गया के ए गामा एच वन, ये हाइट एच वन, ये हाइट एच एच माइनस एच वन, टोटल एच, ठीक है, एच माइनस एच वन, ठीक है। सो अब ये प्रेशर जीरो से लग के मैक्सिमम कितना होगा, के वन गामा एच, तो इसको बना देते हैं, ये जीरो से आ गया, नाम दे देते ए बी सी, ठीक है, तो सी बी पोर्शन मेरा कितना हो जाएगा, के ए गामा एच वन, ठीक है। अब इस सॉइल के नीचे, इस लेयर के नीचे ये फोर्स मेरा लगा रहेगा, मतलब ये क्या है मेरा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ठीक है, ये जो इस लेयर पे फोर्स लग रही है तो बढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया इस लेयर के लिए, वाटर टेबल वाले लेयर के लिए, ठीक है, जोन टू के लिए जोन वन क्या हो गया, सरचार्ज हो गया, तो यही मेरा इस बी सी डी ई, तो यही मेरा सी बी डी ई जोन जो हो गया, ठीक है, मतलब ट्रायंगल ए सी बी, ये मेरा क्या हो गया, सरचार्ज हो गया, ठीक है। अब ये जोन वन, अब जोन टू का बात करते हैं, तो जोन टू में मेरा क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट है, ठीक है, वाटर, तो इस वाटर के कारण क्या होगा, जीरो से जहाँ से वाटर टेबल हो वहाँ से इसके बेस तक प्रेशर बनेगा, ठीक है, अर्थ प्रेशर जो कि इस वाल पे लगेगा, ठीक है, जो कि इस वाल को इधर मूव कराना चाहेगा, ये क्या हो गया, गामा डैश के ए पी जोन टू वन, के ए गामा एच माइनस एच वन, ठीक है, यानी ये क्या हो गया कि ए गामा ड्रेस एच माइनस एच वन। अब यहाँ पर वाटर भी है तो ड्यू टू वाटर टेबल फिर से क्या होगा, यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, ठीक है, जो कि होगा गामा डब्लू एच माइनस एच वन, गामा डब्लू इज यूनिट वेट ऑफ वाटर, सो इन टोटल मेरा क्या हो गया, ये हो गया कि ए गामा एच वन, सो इन टोटल पी ए मेरा क्या हो गया, के ए गामा डैश गामा एच वन प्लस के ए गामा डैश एच माइनस एच वन प्लस गामा डब्लू एच माइनस एच वन, सो ये मेरा हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, जो कि मेरे को किस लिए मिल रहा है, ड्यू टू सरचार्ज एंड वाटर टेबल सिचुएटेड एट डेप्थ एच वन फ्रॉम टॉप, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग केस हो सकता है, क्या केस हो सकता है, केस वन, ठीक है, केस वन क्या हो गया कि जब मेरा नो वाटर टेबल, मेरा कोई वाटर टेबल नहीं रहेगा, मतलब ये जोन कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, जब मेरा वाटर टेबल नहीं रहेगा तो
तो ये गामा डैश प्लस गामा डब्ल्यू, ये टर्म मेरा जीरो, तो उस केस में पी ए क्या हो जाएगा कि ए गामा एच, एच वन बढ़ के एच हो जाना है। गामा डैश क्यों आ रहा था, सिर्फ वाटर टेबल के कारण आ रहा था, सेचुरेटेड वाटर के कारण आ रहा था, और गामा डब्ल्यू भी उसी के कारण आ रहा था, वाटर के कारण। ठीक है, केस टू। दूसरा केस क्या है, नो सरचार्ज। और क्या बोल सकते हैं कि वाटर टेबल एट द टॉप ऑफ रिटेनिंग वॉल। वाटर टेबल क्या रहेगा यहाँ, मतलब एच वन मेरा क्या हो गया जीरो। जब एच वन जीरो हो जाएगा तो गामा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई मास तो ड्राई है ही नहीं, सब तो सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, पी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, गामा जीरो, बचा क्या, एच वन जीरो, तो क्या बचा, के ए गामा डैश एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो ये दो केस है, एक केस और दो केस। ठीक है, पहला केस क्या है कि जब वाटर टेबल मेरा जीरो होगा, ठीक है, मतलब एच वन इज इक्वल टू एच हो जाए, ठीक है, वाटर टेबल घसक के यहाँ आ जाए या इससे नीचे चले जाए। दूसरा केस क्या है कि वाटर टेबल मेरा टॉप पे आ जाए, तो नो वाटर टेबल, ठीक है, दूसरा नो सरचार्ज, और बेटर टू से वाटर टेबल एट द टॉप ऑफ रिटेनिंग वॉल या फिर एट द लेवल ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो ये दो केस है, दोनों इम्पॉर्टेंट केस है, इस पर न्यूमेरिकल रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे। सो गाइस, डेट्स ऑल फॉर टुडे। Stay bliss, stay safe, stay inside. Namaskar.